सुबह रोहित लाला लाजपत राय था और मैं भगत सिंह की दादी बनी थी। To be very honest guys, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन ही यही था। बहुत ज्यादा ऑकवर्ड था गाइस, सीरियसली मैं इतने ऑकवर्डली बात कर रही थी। How did you convince your family for love marriage? Please share your journey, सबको आइडियाज मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर पोल डाला था कि आस्क मी योर क्वेश्चंस, आपने मुझे बहुत सारे प्यारे प्यारे यूनिक से क्वेश्चंस पूछे थे, तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू आंसर दैट। ऑल्सो आंसर करते करते साथ में मैं ये वाला लुक भी क्रिएट करने वाली हूँ। सो ये बहुत ही ज्यादा ईजी सा स्मोकी आई मैंने क्रिएट किया है। सो आई रियली होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे एंड मेरे आंसर्स को भी एंजॉय करोगे। ऑल्सो गाइज बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, सो प्लीज अगर मैंने आपके क्वेश्चन को मिस कर दिया होगा सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है तो प्लीज कुछ खाने पीने के लिए भी रख लेना साथ में, आपको भूख नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय सेकंड चैनल जहां पे अभी अभी हमने ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज किया था मेरे हस्बैंड के साथ। बहुत ज्यादा फनी वीडियो थी, बहुत ही आपको मजा आएगा वाली वीडियो देखने में भी। सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट एज वेल। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेती हूँ, मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हुई पड़ी है। सो आई एम अप्लाइंग दिस शुगर का सिट्रस गॉट रियल मॉइस्चराइजर, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। दिस इज लाइक अ जेल मॉइस्चराइजर। अभी एक्चुअली मैं दूसरी वीडियो शूट करने लगी थी तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं Q&A भी कर लेती हूँ और साथ में रेडी भी हो जाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन आया कि आपने रोहित में सबसे पहली बारी क्या देखा, रोहित ने आरुषि में क्या देखा। तो ये Q&A रोहित के साथ तो नहीं है, बट जब उसके साथ होगा तो आप उससे पूछ लेना कि उसने मेरे में क्या देखा था शादी करने के लिए। बट मैं अपना आंसर तो दे ही देती हूँ और साथ के साथ मैं प्राइमर भी अप्लाई कर रही हूँ। दिस इज इनसाइट का पोर मिनिमाइजर प्राइमर, बिल्कुल बेनिफिट की तरह और इतना ज्यादा अमेजिंग है ना। ट्राइंग चीपेस्ट मेकअप फ्रॉम नायका, उस वीडियो मैंने ट्राई किया था। रोहित में सबसे पहले मैंने क्या देखा था, तो एक्चुअली हमारा पहली बारी जब मैंने रोहित को देखा था, हम लोग स्कूल में थे तब हमारा शो था एक भगत सिंह वाला, उसमें रोहित लाला लाजपत राय था और मैं भगत सिंह की दादी बनी थी, क्योंकि मैं एक सिंगल बची थी जिसको पूरे ग्रुप में पंजाबी अच्छे से आती थी, तो इसने मुझे दादी का रोल दे दिया था कि चल दादी है पंजाबी बोलेगी। तो मैं दादी बनी थी एंड रोहित लाला लाजपत राय बना था। तो मैंने आई थिंक पहली बार रोहित में लाला लाजपत राय देखा था। सबसे पहले मैंने ये देखा था कि हाउ ही टॉक्स, क्योंकि स्कूल के बच्चे होते थे ना, वो लड़कियों से बहुत ही गंदे तरीके से बात करते थे, बट ही वॉज सो जेन्युइन एंड पोलाइट विद गर्ल्स एंड ही वॉज एक्चुअली अ चार्मर। लाइक सारी लड़कियां ना उससे बहुत ज्यादा ऐसे क्या कहते हैं, बट अच्छे से बातें करती थी। बट जो हमारी एक फुल फ्लेजेड स्टोरी होगी ना, उसकी हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो उसी में ही शेयर करूंगी। मुझे काफी सारे क्वेश्चन ये भी आए कि आप अपनी स्टोरी शेयर करो, बट इस वीडियो में सारा नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ही लंबी चौड़ी सी है, लाइक इतने सालों पहले की है तो काफी सारी चीजें है उसमें, तो हम एक अलग से वीडियो उसके ऊपर बना देंगे। लो जी रोहित जी आ गए हैं। बोलिए आरुषि जी, तैयार हो रही है? कहाँ जा रही है मैडम? मैं जा रही हूँ वीडियो बनाने। वीडियो बना रही है। अभी मैं पीच का लका कलर करेक्टर अप्लाई कर रही हूँ अपने अंडर आईज के ऊपर। सो ये अंजू मखीजा ने पूछा है कि दी इफ समवन स्वेट्स अ लॉट तो क्या उनकी ऑयली स्किन ही होगी? ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर ऑयली स्किन है तभी स्वेट होगा, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ऑल्सो अपनी बॉडी का भी एक होता है कि बॉडी हीट बढ़ जाती है, बॉडी टेम्परेचर, दैट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। आप किस तरीके की मील लेते हो, कैसा खाना खाते हो, दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपको मतलब स्वेट कितना आएगा एंड आपकी बॉडी में वाटर लेवल कितना है। ब्लॉग कब आ रहा है एंड आप भी रोहित भैया के साथ प्रैंक करो दी जैसे वो करते हैं। हाँ वो मेरे साथ इतने गंदे गंदे प्रैंक करता है ना, अगर आप लोग, अगर आपको नहीं पता हमारा एक सेकंड चैनल भी है AR फॉर ऑल, वहाँ पे इतने गंदे प्रैंक्स मेरे ऊपर करता है, मैं भी जल्दी करने वाली हूँ। आई एम ऑल्सो प्लानिंग गाइस, आप मुझे ना अच्छे अच्छे आइडियाज ना कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं कैसे प्रैंक करूँ रोहित पे। तो फाउंडेशन के लिए मैं अप्लाई करूँ लैक्मे 95 का फाउंडेशन, मैं डायरेक्टली नहीं अप्लाई करूंगी स्पैचुला से, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा बैक्टीरिया वगैरह चला जाता है। सो अगर टेक इट ऑन द बैक ऑफ माई हैंड एंड ऐसे करके वार्म अप कर लेंगे। आप इतना अच्छा मेकअप कैसे कर लेते हो, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो अच्छा मेकअप ऐसा नहीं है, आप प्रैक्टिस करो आप भी अच्छा मेकअप कर लोगे। मुझे 4-5 ईयर्स हो चुके हैं मेकअप करते करते, तो ऑब्वियसली इतने सालों में तो प्रैक्टिस हो ही जाती है, आ जाता है। सो टू बी ऑनेस्ट इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस क्वीन खुशी उन्होंने पूछा है दी आपकी एज कितनी है। आई एम 28 years old, अभी अगस्त में ही मैं 28 की हुई हूँ एंड आई नो मैं 28 की लगती नहीं हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मजाक कर रही हूँ। आपकी यूट्यूब जर्नी, तो ये क्वेश्चन मुझे इतने ज्यादा आया ना कि अपनी जर्नी शेयर करो यूट्यूब की। 4-5 years पहले जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, आई थिंक 5 years होने वाले हैं नवंबर में,
तो क्या होता था कि पहले ना मैं बहुत ज्यादा ना मेकअप ट्यूटोरियल्स और यूट्यूब वीडियोस, नेल आर्ट की वीडियोस, इवन मैं नेल आर्ट भी करती थी पहले, आपके साथ पिक्चर्स ना शेयर करूंगी मैं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे नेल आर्ट खुद से करती थी। अब तो जैसे मैं बाहर से ही करा लेती हूँ क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, तो मुझे ना इन चीजों का बहुत ज्यादा ना ऐसी शौक था। एंड साथ में मैं BCA MCA भी करी थी, अपनी पढ़ाई भी करी थी, मेकअप वीडियोज देखते देखते मुझे इतना शौक चढ़ता था कि मैं अपना मेकअप लेके ना ऐसी बैठ जाती थी और ऐसी प्रैक्टिस वगैरह खुद से ऐसे ही घर पे करती थी। एंड माइंड में ना लाइक जैसे मैं अब फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, माइंड में मैं ऐसे बोलती थी नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई माय फाउंडेशन, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई माय आई शैडो, तो मैं ऐसे अपने माइंड में करती थी। तो मुझे उस चीज से पता चला कि मुझे इस चीज का शौक है एंड मैं ये चीज कर सकती हूँ, लाइक इस चीज का मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छे से एक यूट्यूब चैनल बना सकती हूँ। चीज भी पूछी है कि आपका यूट्यूब चैनल बनाने का जो डिसीजन था उसमें आपके पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पेरेंट्स लाइक एनी अदर इंडियन पेरेंट, उनको भी थोड़ा सा था कि मेरी इसमें टाइम वेस्ट करती रहेगी, इससे जाके जॉब कर ले। मैंने उनको बोला कि मैं जॉब वगैरह तो नहीं कर सकती, वो सब मेरे बस की नहीं है, आई विल डू माय बिजनेस। तो मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस किया, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे मेरा ऑनलाइन बिजनेस भी था, साथ में यूट्यूब भी करती थी, तो उससे मेरी बहुत अच्छी खासी अर्निंग होनी स्टार्ट हो गई। एंड देन तब से फिर मैं यही कर रही हूँ। अब इन डेप्थ कुछ ऐसा शेयर करने वाला है नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ लाइक बहुत ज्यादा ट्रेजेडीज वगैरह, टच वुड मेरी लाइफ एकदम स्टेबल है। एंड ऐसे मैं कुछ भी रैंडम सी चीजें भी नहीं बोलूंगी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपथी। ठीक है, सब कुछ अच्छा है जो भी मिला मुझे भगवान से, लाइक कहते हैं ना कि भगवान ने जो दिया वो बहुत ही अच्छा दिया है, एवरीथिंग इज सो नाइस एंड आई एम सो 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 ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली लाइक यू। आप लोग इतने ज्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, इतने सपोर्टिव हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, DM करते हो, इतना अप्रिशिएट करते हो ना, तो और क्या चाहिए यार। मुझे ऐसे फेक वाले सब्सक्राइबर्स के व्यूज नहीं चाहिए जो कि मुझे मिलियन मिलियन आ जाए, अगर वैसा चाहिए होता ना तो मैं कुछ भी रैंडम सा टाइटल में डाल देती, क्लिक बेट कर देती, उससे मुझे व्यूज आ जाते। सो आप लोग इतना ज्यादा प्यार करते हो, इतना अप्रिशिएट करते हो ना, सो दैट इज मोर देन एनफ फॉर मी। How did you convince your family for love marriage? Please share your journey. सबको ideas मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे गाइज यहाँ पे कोई आइडियाज वगैरह मैं क्या दूँ आपको, लाइक जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर फैमिली। आप स्टार्टिंग से अगर आपको कोई ऐसा रिलेशनशिप है, आप स्टार्टिंग से ही उनको बता के चलो कि ऐसे ऐसे करके है, बिकॉज योर पेरेंट्स वो आपके लिए ज्यादा अच्छे से सोच सकते हैं जितना आप सोच सकते हो। तो अगर स्टार्टिंग से उनको पता होगा, सब कुछ क्लियर होगा ना, तो आप भी श्योर रहोगे। लव स्टोरी इस टाइप कुछ ऐसा था नहीं, हम बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे एंड हम क्योंकि सेम ही पाथ फॉलो करते थे, लाइक रोहित के घर में भी राधा स्वामी, हमारे घर में राधा स्वामी, तो एक वो चीज हो गई थी, तो ये काफी ज्यादा ना हमारा एक कनेक्शन अच्छा बन गया था। तो इसीलिए वो फ्रेंडशिप से लेके हमारा रिलेशनशिप जो था वो बिल्ड हुआ, और थ्रू आउट द जर्नी मेरे पेरेंट्स को सब कुछ पता था, सो दैट्स व्हाई आई थिंक वो अग्री भी हो गए, उनको पता भी था कि कितना चंगा मुंडा है, सो दैट्स व्हाई उन्होंने मेरी शादी करा दी। ऑल्सो साथ के साथ मैं अपने फेस को हाईलाइट करी हूँ विद दिस टू फेस्ड बॉर्न दिस वे कंसीलर, है मुझे बहुत ही अमेजिंग लग रहा है आजकल, काफी लाइट वेट है एंड क्रीज नहीं होता। सो दिस इज द क्वेश्चन जिसने मेरे को हिट किया यहाँ पे, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, you are a good question. One brand you want to collab with, your favorite brand. So I would say ki meri favorite brand like bahut sari hai, aisa koi ek nahi hai. Dream brand would be MAC, kyunki now you would be like yaar MAC to itni normal si brand hai, there are many brands, but MAC se na kaise bachpan wali yaadein judi hui hain, like ek jaise bachpan mein sabse pehle jab ek MAC ki lipstick khareedi thi na, to that would be like yaar maine MAC ki lipstick le li, wow, ek wo wali jo excitement hai na wo meri yahi se MAC se hi hai. So isliye agar jab bhi mereko के साथ काम करने में अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, दैट विल बी माय ड्रीम कम ट्रू, एंड फिर मैं सोचूंगी कि हाँ मेरा ये जो करियर है ना ये सफल हो गया। सो एनीवे नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई माय ब्लश, दिस इज द O2O लिक्विड ब्लश, ये बहुत ज्यादा सुंदर ग्लो देता है, ऑल्सो इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, काफी ज्यादा लग्जूरियस सी है। आई एम टेकिंग आउट वन पंप एंड लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल एंड हु वाज योर इंस्पिरेशन? तो मेरी इंस्पिरेशन अगर हम भारतीय यूट्यूबर्स की बात करें तो मैं निकी ट्यूटोरियल को देखती थी एंड जेफरी स्टार ऑफ कोर्स, कितना मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सी पर्सनैलिटी लगती है उनकी, तो मैं उनको देखती थी। देयर आर मेनी यूट्यूबर्स एंड अगर हम इंडियन की बात करें, ऑफ कोर्स वी ऑल नो श्रुति अर्जुन आनंद, श्रेया जैन, एंड देयर आर मेनी इंडियन यूट्यूबर्स जो कि बहुत ही अच्छा कर रहे थे, देवश्री, तो मैं इनको देखती थी। सो आई काइंड ऑफ फील कि यार मुझे भी करना चाहिए जिस, मैं भी कर लूंगी अच्छे से। सो इसलिए मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन ही यही था कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। सो आई एम सेटिंग माई फेस विद दिस पैक का लूज पाउडर, दिस वन इज ट्रांसलूसेंट पाउडर 02। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सिलेक्ट योर कंसीलर एंड योर हाईलाइटिंग शेड? तो गाइज आपको जस्ट अपनी स्किन टोन से वन टोन डार्क लेना है, हैज टू बी अ लिटिल बिट पीची अंडर टोन का। इफ यू हैव वार्मर स्किन टोन इट हैज टू बी अ वार्मर टोन, एंड इफ यू हैव कूल स्किन टोन देन इट हैज टू बी अ कूल अंडर टोन का। तो इसके ऊपर मैंने
फुल फ्लेजेड सेपरेट वीडियो बनाई हुई है मेकअप क्लास नंबर 2 जिस मैंने अंडरटोन्स को बहुत ही अच्छे से आपके साथ एक्सप्लेन किया था, आप वो देख सकते हो, दैट विल हेल्प यू अलॉट। बट जस्ट मेक श्योर कि अगर आप कंसीलिंग के लिए कंसीलर ले रहे हो देन गो 1 टोन डार्कर एंड ऑल्सो थोड़ा सा पीछे अंडरटोन का, एंड अगर आप हाईलाइटिंग के लिए ले रहे हो देन गो 1 टोन लाइटर। बेस्ट न्यूड लिपस्टिक यू यूज, तो करंटली आई लव यूजिंग दिस रेचल शेड फ्रॉम नायका, ये काफी ब्रिटी सा ब्राउनी न्यूड कलर है, मैक की कॉस्मो शेड है जो कि मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया एंड बहुत ही अच्छा है। एंड देयर मेनी, सच्ची बताओ तो मुझे बहुत सारी न्यूड लिपस्टिक्स पसंद है। ऑल्सो एक और क्वेश्चन आया, योर फेवरेट लिपस्टिक शेड, तो ये तो आपने बहुत ही कठिन सा क्वेश्चन पूछ लिया, लाइक मुझे मेरे पास इतने सारे लिप शेड्स आ रहे जो कि मेरे फेवरेट है। अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए ना टॉप फेवरेट लिप शेड्स की, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट उसमें 15-20 तो शेड्स होने ही वाले हैं। सो आपको देखनी है वो वीडियो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन माई टॉप फेवरेट लिपस्टिक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, योर हाइट एंड हु फाइट्स मोर, यू और जीजू, बाय द वे लव यू दी, लव यू टू। एंड माई हाइट इज 5'8", आई नो आई एम वेरी टॉल एंड मुझे हील पहनते टाइम बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, वहाँ पे कितनी हाइट के लोग होंगे, उसके हिसाब से मुझे हील पहननी पड़ती है, कहीं मैं एकदम अलग से ऊंट सी ना दिखूं। तो मैं ऐसे ग्रुप में जा रही हूँ जब पे सारे लंबे लंबे हैं तो मैं हील पहन लेती हूँ, अगर मैं ऐसे ग्रुप में जा रही हूँ जब पे सारे छोटे छोटे हैं तो मैं हील नहीं पहनती। एंड हु फाइट्स मोर, ऑफकोर्स मैं तो बिल्कुल भी नहीं लड़ती हूँ, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाती हूँ एंड मान भी बड़ी जल्दी जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नाराज होकर बैठी रहती हूँ, मैं मान भी बड़ी जल्दी जाती हूँ क्योंकि मेरी हंसी जल्दी निकल जाती है, बट जिस चीज का लोग बहुत ज्यादा एडवांटेज लेता है। एंड रोहित है वो नाराज नहीं होता, बट जब नाराज हो जाता है ना तो भाई साहब मनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं इजिली नाराज हो जाती हूँ एंड मैं इजिली मान भी जाती हूँ, एंड वो है कि बहुत ही मुश्किल से नाराज होता है, बहुत ही मुश्किल से मानता है, सो मतलब कि पूरा पूरा दिन मेरा निकल जाता है मनाने के लिए। सो ये है हमारा सीन। सो जिया अनवर मेरी बहुत ही क्यूट सी सब्सक्राइबर है, सो शी इज अ वेरी डियर गर्ल। जिया ने मुझसे पूछा है कि प्लीज गिव सम टिप्स फॉर पोजिंग व्हाइल फ्लॉन्टिंग आई लुक्स, इट्स वेरी मच नीडेड प्लीज। सो अगर आपको आई लुक्स लाइक फ्लॉन्ट करने हैं, सो यू जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपका जो कैमरा है ना वो थोड़ा सा लाइक आपके आई लेवल से थोड़ा सा नीचे है, सो दैट व्हेन यू लुक अप आपका आई मेकअप अच्छे से दिखे। सो अभी जैसे मेरा बिल्कुल स्ट्रेट कैमरा है मेरे फेस से, सो अभी क्या है मेरी क्रीज आपको दिख ही नहीं रही होगी, व्हेन आई विल डू दिस तब जाके हल्की फुल्की दिखेगी, बट अगर कैमरा थोड़ा सा नीचे होगा ना मेरे इजिली आई मेकअप दिख जाएगा। ऑल्सो ऑफकोर्स यू कैन ऑलवेज लुक डाउन एंड पोज, लाइक नीचे देख के भी यू कैन पोज एंड यू कैन लुक साइड वेज, जैसे साइड में देख के भी यू कैन पोज। इफ यू वॉन्ट क्लोजअप शॉर्ट्स, अगर आपको बिल्कुल क्लोज से आई लुक चाहिए ना, सो मेक श्योर कि आप अपने कैमरा को ना जूम कर रहे हो लाइक बिल्कुल आईज पे, जैसे अगर मैंने फोन से बाय चांस खींचनी है सो आई विल मेक श्योर कि मैं फोन से अपने कैमरा को जूम करके ऐसे लूं, अगर मैं बिल्कुल कैमरा को अपने फेस के पास ले आऊंगी तो मेरा फेस ही बहुत ही वियर्ड सा लगेगा। सो मेक श्योर जब आप क्लोजअप शॉट्स ले रहे हो तो आपको अपने कैमरा को या तो जूम कर लो अगर आप कैमरा से ले रहे हो, और या तो अगर आप फोन से ले रहे हो तो फोन से आप जूम कर लो, डोंट ब्रिंग इट लाइक बिल्कुल कैमरा के पास नहीं आना है या फिर बिल्कुल फोन के पास नहीं आना। फिर अभी भी कुछ भी कंफ्यूजन होगा ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगी। ओके लेट्स अप्लाई हाइलाइटर, तो मैं पैक का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, माय फेवरेट वाला। एंड लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन गाइस, आपको अपनी सबसे पहले यूट्यूब वीडियो का एक्सपीरियंस शेयर करना होगा और प्लीज वीडियो बनाओ मेरा नाम भी लो, तो ये पूछा अंशिका गुप्ता ने, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ये तो मैं जरूर बताऊंगी। सो जब मैंने पहली वीडियो शूट करी थी ना दैट वॉज फैबबैक की वीडियो, पहले टाइम पे फैबबैक इतना ज्यादा चलता था ना, सो जब भी नया फैबबैक आता था ना मैं हमेशा आई मेक श्योर कि मैं पहली तारीख को ही उसकी वीडियो डाल दूँ, ऑफकोर्स तब कोई ब्रांड भी नहीं मुझे भेजती थी तो मुझे खुद ही खरीदना पड़ता था, तो सबसे पहली वीडियो मैंने फैबबैक की बनाई थी। सो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड था गाइस, सीरियसली मैं इतने ऑकवर्डली बात कर रही थी उस वीडियो में, आप प्लीज जाके सर्च मत करना और देखना मत वो वीडियो, आपको हंसी आ जाएगी। एंड उस टाइम पे ऑफ कोर्स मेरे ब्रेसेस वगैरह सब कुछ थे और मैं बोल भी नहीं पाती थी लाइक मुंह खोल के, मुझे इतनी शर्म आती थी, बट आफ्टरवर्ड्स थोड़े टाइम बाद मैं बिल्कुल ब्रेसेस के साथ बड़ी कैजुअल सी हो गई थी, बट स्टार्टिंग में तो मुझे इतना ज्यादा ऑकवर्ड लगता था, इतनी ज्यादा शर्म आती थी और मैं इतने ऑकवर्डली इंग्लिश में बात कर रही थी सीरियसली। वो अब मैं देखती हूँ ना वो वीडियो तो मैं सोचती हूँ यार मैं इंग्लिश बोल क्यों रही थी इतनी ज्यादा ऑकवर्ड तरीके से, कि उसके बाद जाके मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी जो ऑडियंस है वही सारी हिंदी बोलती है, उनकी मेन लैंग्वेज ही हिंदी है, तो हमको हिंदी में वीडियो बनानी चाहिए ना, इंग्लिश बोल क्यों रही हूँ मैं। वो जब वीडियो गई थी ना लाइव आई वॉज जस्ट मेकिंग श्योर कि यार मेरे व्यू क्यों नहीं आ रहे हैं, 30 व्यूज आए हैं, 40 व्यूज आए हैं, मैं इतनी ज्यादा ऐसे परेशान सी हो जाती थी, हर 5 मिनट में अपने व्यूज चेक करती थी जो कि हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहले तो मुझे कैमरा के सामने फोटो भी खिंचवाने में इतनी शर्म आती थी और पता नहीं मैंने वीडियो कैसे बनाई थी फुल बोलते हुए। अलका इनका भी यूट्यूब चैनल है, यू कैन जस्ट गो अहेड
100 सब्सक्राइब टू हर गाइस. इन्होंने पूछा है कि प्लीज अपना यूट्यूब सेटअप शेयर कर दो एंड किधर शुरुआत कितनी सी यूट्यूब लई मीन सब कुछ जॉब कर दे सी या फिर यूट्यूब तो ही यूट्यूब ही सोचा था आपने. तो सेटअप के लिए आई मेक अ सेपरेट वीडियो. अभी एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन इट. मैं अपना सेटअप और ज्यादा अच्छे से बनाने की सोच रही हूँ. फॉर द फैक्ट जॉब के लिए मैंने आज तक लाइफ में कभी जॉब नहीं की गाइस. अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब मैंने बहुत सारे काम किए हैं. मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस किया था और मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से भी बहुत अच्छा खासा मेरा स्टोर था इंस्टाग्राम पे, वो भी मैं करती थी. एंड देयर वर मेनी थिंग्स रीसेलिंग, ये सब अपना खुद का बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस या फिर ऑनलाइन स्टोर था मेरा, इंस्टाग्राम स्टोर था. आई डिड मेनी थिंग्स बट जॉब वगैरह का कभी मैंने सोचा नहीं. योर फेवरेट फाउंडेशन? पैक फाउंडेशन, पैक HD लिक्विड फाउंडेशन इज माई ऑल टाइम फेवरेट. ऑफकोर्स मैं बहुत सारे नए नए फाउंडेशन ट्राई करती रहती हूँ बट एक जो पैक का फाउंडेशन है ना, दैट इज ऑल टाइम फेवरेट. आपने यूट्यूब किस एज में स्टार्ट किया था? आज से 5 years पहले तो मैं उस टाइम पे 23 की थी तब मैंने स्टार्ट किया था. व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? तो मैंने BCA MCA की हुई है, ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी की हुई है. दी मुझे अपना ब्राइडल मेकअप करना है अंडर 5000 प्रोडक्ट्स में, बताओ बस अच्छा सा रानी पिंक रेड कलर. तो पूजा आप मुझे ना DM कर देना आपकी शादी कब है. वी विल टॉक अबाउट इट एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन अफोर्डेबल ब्राइडल मेकअप. तो मैं रेड या फिर पिंक टोन में ना एक अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट कर दूंगी, सो यू कैन डू दैट. फेवरेट हॉलीडे? बीच, माउंटेन और सिटी. ऑलवेज ऑलवेज बीच बेबी. आई एम अ बीच बेबी. मुझे बीचेस इतने अच्छे लगते हैं ना. हम कभी भी वेकेशन प्लान करते हैं ना तो हमेशा मेरे मुंह से बीच ही निकलता है. एंड रोहित इज लाइक यार बीच से आगे भी बढ़ ले. जब वो वेव्स की जब आवाज हिट करती है ना, वो अलग ही लेवल पे ले जाती है मुझे. मैं अलग ही वाइब में चली जाती हूँ. आई जस्ट लव बीचेस. मैं बता भी नहीं सकती मुझे कितने अच्छे लगते हैं. जो आपकी भाभी है वो रोहित दास से छोटी है या बड़ी है? वो उनसे बड़ी है. आई थिंक 2 years रोहित से बड़ी है. एट व्हाट एज यू गेट मैरिड? आई वाज 27 जब मेरी शादी हुई थी, पिछले साल ही हुई है. एक कमेंट आया है, क्या पूछना था? कितना कुछ पूछना था, भूल गई, अब याद ही नहीं आ रहा. कोई बात नहीं, जब याद आएगा ना तब आप मेरे से पूछ लेना, कोई बात नहीं. अफोर्डेबल फाउंडेशन ब्रश? तो ब्रशेस के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बहुत ज्यादा इन डेप्थ बताई थी, जिसमें काफी सारे टाइप्स के ना फाउंडेशन ब्रशेस आपके साथ शेयर करे थे, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शादी के बाद आपकी कितनी लाइफ चेंज हुई है? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी लाइफ बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई गाइस. सब कुछ वैसा ही है, सेम ही फैमिली उधर भी थी, सेम फैमिली इधर भी है, उधर भी मम्मी पापा, इधर भी मम्मी पापा. वहाँ पे भाभी थी तो यहाँ पे मेरे को मेरी सिस्टर इन लॉ मिल गई है, सेम भाभी जैसी. सो सब कुछ सेम ही है, कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ. एंड रुद भी सेम ही है, मैं भी सेम ही हूँ, एवरीथिंग इज सेम. ऑल्सो द फैक्ट कि वहाँ पे भी मैं सेम ही पाथ फॉलो करती थी जो कि हम यहाँ पे करते हैं, सो एवरीथिंग इज सेम. सो I'm very blessed that way. I'm taking this palette. This is a color board palette. So अभी मैं इसमें से confused हो रही हूँ कि मैं कौन सा शेड अप्लाई करूँ, कैसा आई लुक करूँ. आज ब्लू ट्राई करते हैं. सो अभी मैंने पूरी अपनी आईलेट के ऊपर ना ये डार्क ब्लू सा कलर अप्लाई किया. दिस इज सच अ प्रिटी कलर, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फेस के मेकअप तो ठीक है बट हैंड्स और लेग्स के लिए भी कुछ बताओ. सो एक ना मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करती हूँ. जैसे आप अपना नॉर्मल बॉडी लोशन लो, उसके अंदर थोड़ा सा ना फाउंडेशन डालो एंड देन उसके अंदर थोड़ा सा हाईलाइटर डालो, लिक्विड हाईलाइटर जो हम यूज करते हैं वो डालो. अदरवाइज अगर आपके पास पैन वाला हाईलाइटर है ना, उसको भी थोड़ा सा स्क्रेप करके डाल सकते हो. सो जस्ट मिक्स दैट एंड अप्लाई इट ऑन योर बॉडी. देखोगे कितना प्यारा आपकी स्किन में ग्लो आ जाएगा एंड इट विल लुक सो प्रिटी. सो जस्ट विद 2 eye shadows मैंने तो सुंदर सा स्मोकी आई क्रिएट कर लिया है एंड आई रियली लाइक दिस ब्लू कलर. इसको मैं थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसीफाई करूंगी. दिस अ वेरी प्रिटी डार्क ब्लू कलर, बहुत सुंदर लग रहा है. थोड़ा सा मैं अपनी इनर कॉर्नर्स को भी हाइलाइट कर लेती हूँ. ओनली लिपस्टिक इज लेफ्ट. आई एम गोना टेक वन मोर क्वेश्चन कि इफ यू आर वॉचिंग दिस देन प्लीज आंसर कि आप आरबी के साथ कब ब्लॉग बनाओगे. सो अगर आप लोगों को नहीं पता, आरबी मेरी छोटी सी नीज है, सो उसके साथ मैं सून व्हेन आई गो टू माय होम मैं ब्लॉग कर लूंगी. ऑल्सो मुझे काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि डेली ब्लॉग भी किया करो. सो एक्चुअली गाइस द थिंग इज कि अभी हमारे 2 चैनल हो गए हैं, तो अभी क्योंकि वो वाला चैनल बिल्कुल नया है तो इसलिए वी आर मेकिंग श्योर कि हम उसको अच्छे से टाइम दें, क्योंकि एक चैनल को बनाने में और उसको ग्रो करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. बहुत अच्छे से एक बच्चे की तरह उसको बड़ा करना पड़ता है. इफ यू गाइस वांट मी टू मेक अ डेली ब्लॉग का चैनल, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. न्यू ईयर में मे बी वी विल मेक अ डेली ब्लॉग चैनल. अभी उसी चीज के ऊपर ही डिस्कस कर रहे थे और थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके क्या राय है इस चीज को लेकर. सो नाउ आई एम गोना
अप्लाई माई लिपस्टिक. सो गाइज दिस इज माई फाइनल लुक. दिस इज द लुक विच आई हैव क्रिएटेड टुडे. आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. रियली फील कनेक्टेड टू यू गाइज. मुझे बहुत ही अच्छा लगता है Q&A. हमेशा मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ. इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप. लाइक जरूर जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो मेरे चैनल पे. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई सेकेंड चैनल विच इज AR फॉर ऑल. एंड आई विल सी यू गाइज माई नेक्स्ट वीडियो. बाई. Oh, 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 oh,